जरूरतों को पूरा करने की उलझनों में उलझे हुए पालकों की अति व्यस्तता के कारण बच्चों के साथ पर्याप्त समय न बिताने की वजह से आज बच्चे टीवी और इंटरनेट जैसी चीजों के शिकार हो रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव उन्हें घर के अनुशासन और संस्कृति से वंचित कर रहा है। यहाँ तक कि समय पर सही देखभाल न होने से बच्चे अपराध की ओर भी बढ़ रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी चिंता से निपटने हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने समझदार पालक सशक्त प्रदेश कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें मुख्य रूप से बाल आयोग के अध्यक्ष श्रीमती प्रभा दुबे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आरिफ शेख शामिल हुए। आज छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग द्वारा सशक्त पालक सशक्त छत्तीसगढ़ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और शुरुआत ही पुलिस विभाग से इन्होंने की है। हमारे पुलिस के करीब 25 जो कपल्स हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से तथा इंटरेक्टिव गेम्स के माध्यम से उनको पेरेंटिंग के जो मूलभूत टिप्स है वो दिए गए हैं कि कैसे बेहतर वो पालक बन सकते हैं और बाकी के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी एक सीख है ये। और इस तरीके के कार्यक्रम का और आयोजन किया जाएगा विभाग में। ये समझदार पालक सशक्त प्रदेश विषय को लेके हमने एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है, जिसमें सर्वप्रथम हमारे द्वारा पुलिस विभाग को बुलाया गया है। इसमें पति पत्नी दोनों को बुलाया गया है ताकि बच्चे की जो देख रेख है परिवार से ही बनता है, पति पत्नी के हाथ में ही रहता है। बच्चे को कैसे अपन समझदार बना सकते हैं, इस बात की चिंता यदि कोई करता है तो माँ बाप हैं, और माँ बाप के रूप में हमने पुलिस को लिया है क्योंकि हर पुलिस का कोई ना कोई बच्चा है, पालक है वो। और यदि वो अपने बच्चों के साथ यहाँ जो बताया गया है कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें जो सीखेंगे, अपने बच्चे के ऊपर उतार के देखेंगे, और निश्चित रूप से वो आने वाले समय में जब रोड में खड़े रहेंगे, ड्यूटी में रहेंगे, कहीं भी जाएंगे और बच्चों से संपर्क होता है तो उसको जरूर ध्यान देंगे कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें अन्य बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस बात की जानकारी के लिए हमने सर्वप्रथम पुलिस विभाग को चुना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ पुलिस विभाग को ही कार्यक्रम करवाएंगे और उनको जागरूक करेंगे, हम समय समय पे अन्य समाज को, परिवार को, गांव को, शहर को, सारे पालकों को समझदार पालक के रूप में विकसित करेंगे। और मैं यह कह सकती हूँ कि यदि पालक समझदार है तो बच्चा निश्चित रूप से अच्छा होगा, और जब बच्चा अच्छा होगा तो प्रदेश की उन्नति करने में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। जी यही योजना है कि पुलिस वाले को हम अभी प्रशिक्षित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जब उसको रोड में या चौक में कोई बच्चे, नाबालिग बच्चे मिलेंगे तो वह उस तरह के ट्रीट नहीं करेगा कि वो अपराधी है या कुछ भिक्षावृत्ति कर रहा है, नशावृत्ति कर रहा है। उसके रूप में वो अपने बच्चे को देख के जैसे एक बच्चे को समझाया जाता है समझाइश देगा, ऐसी उम्मीद है। यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी, चाहे आयोग में कोई भी अध्यक्ष रहे या ना रहे, ये निरंतर जारी रहेगी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पालक को और प्रदेश को सशक्त बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे, जिससे हमारे नाबालिग बच्चे जो हैं उनका परवरिश सही ढंग से हो जाए। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल nationupdate.in।